Stock, maintain, sales, item, record, update, होगा, पे तो ये आज की इस वीडियो में जबरदस्त जो सिंपल डेटाबेस के जरिए से अपना sales, records, करना चाहते हैं उनके लिए आज की क्लास काफी हेल्पफुल रहेगी तो चलिए को शुरू करते हैं लाइक like और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और देखने को सीखने को मिलती रहे यहाँ कुछ भी टाइपिंग का काम अभी नहीं है सिंपल मैंने सिर्फ नाम लिखे हुए कॉलम में नाम आपके अपने होंगे जो प्रोडक्ट वगैरह आप सेल कर रहे हैं जो बिजनेस है वो शीट टू पर है हमारी ठीक है जी शीट वन पर हमने सिर्फ सीरियल और आइटम नेम को हम हाइडिंग अभी कॉल कर रहे हैं अब इसके साथ जीरो से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे ठीक है ताकि जिस तरह किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो जो फर्स्ट बिगनर देख रहे हैं वो भी हो जिनको थोड़ा बहुत आता है उन्हें तो करना कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जब हम नाम कुछ सेल के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं तो ऑटो सीरियल्स का ऐड होता रहे नंबर फिर उसके बाद उसका जो रिकॉर्ड है टोटल या टोटल पीस उनका रिकॉर्ड यहाँ पर अपडेट होता रहे फिर आप कितनी बेचेंगे फिर सेल्स रिकॉर्ड और फिर उसके बाद कितने की वो चीज है उसकी प्राइस और फिर उसके बाद उसका टोटल ठीक है जी तो ये तो यहाँ की शीट्स बनेगी इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे पास अमाउंट इसका होगा टोटल मंथली तो वो यहाँ डे के हिसाब से हमारे पास अपडेट होंगी ठीक है जी डेली अगर डेली बनानी है वीकली बनानी है मंथली बनानी है तो उसकी एंट्री जो हो होगी वो आपकी यहाँ पर ऐड होगी हर आइटम की जो आप परचेज कर रहे हैं ठीक है जी अब यहाँ तक कुछ भी अभी हमने काम नहीं किया हुआ नया स्टार्ट करते हैं हमें यहाँ पे सीरियल और ऑटोमेटिक मैंने बताया और उसके साथ ड्रॉप डाउन जो न्यू प्राइस में आपने परचेज करी है उस प्रोडक्ट की वो न्यू प्राइस के साथ हमें अपडेट चाहिए और फिर उसके बाद यहाँ पर मेंटेन होगा मंथली रिकॉर्ड मंथली रिकॉर्ड के लिए हम डायरेक्ट डेट के हिसाब से इंटर करेंगे और फिर यहाँ पर मैं ईयर दे देता दे हूँ दो फर्स्ट दो कॉलम की जरूरत होगी हमें यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ और यहां पर सबसे पहले आ जाएगा टोटल परचेस कर लेते हैं परचेस क्वांटिटी पी क्यू शॉर्ट में मैं रख रहा हूं ठीक है जी आपको एक्सप्लेन हो जाए यहाँ पे मैं लिख देता हूं अलग से परचेस क्वांटिटी पी क्यू शॉर्ट ठीक है उसके साथ आ जाएगा यहाँ पर न्यू प्राइस न्यू प्राइस के लिए एन पी कर रहा हूं मैं शॉर्ट फॉर न्यू प्राइस ठीक है जी ये न्यू प्राइस परचेस क्वांटिटी डेट और दोनों हेडिंग सेलेक्ट सेंटर सेल के एंड पर ड्रैग कर सर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन आपको जितने टाइम का बनाना है रिकॉर्ड आप उस हिसाब से आगे ट्रैक करते रहेंगे मंथली 30 31st तक ट्रैक, ट्रैक करेंगे 10 डेज वीकली उस हिसाब से आप फिल करेंगे मंथली फॉर टू कंटिन्यू ट्रैक ठीक है जी तो आगे तक फिर आपके जितने रिकॉर्ड्स होंगे वो सारे आपके अपडेट हो जाएंगे तो फिलहाल मैं यहाँ पर अभी 10 डेज तक की आपको समझा देता हूं ताकि ज्यादा लंबा फॉर्मेट नहीं हो आप आराम से इसी मेथड को यूज करते हुए मंथली तक आगे कर सकते हैं ठीक है जी अब यहां पर हमारे पास ये मसला सॉल्व हो गया ठीक है जी यहां से हम इसको कर लेते हैं बोल्ड और जहां स्पेसिस कम हो सकती है डबल क्लिक स्पेसिस कम करेंगे हैश बने हुए आ जाए तो यहां पर आप फॉन्ट को कम कर लीजिएगा ठीक है जी हो गया ये और इसी तरह थर्टी तक जब करेंगे तो ये आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर और इसको हम आगे फिल कर लेते बल्कि मैं पूरी मंथली बता देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं हो ठीक है जी थर्टी फर्स्ट तक इससे आगे की जो आ रही है इसको मैं क्लियर ऑल कर लेता हूँ यहाँ से ऑन ऑल सिलेक्ट आप डबल क्लिक करेंगे ऑटो फिट डेट रॉ के पास से सिलेक्ट करके फोन कम कर लें ये डेट जो है वो हैश जो होते हैं वो स्पेस की वजह से आ रहे होते हैं डेट आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पे अब लास्ट के अंदर हमें यहाँ पर ऐड करना है अपना टोटल क्वांटिटी और टोटल क्वांटिटी के साथ यहां पर आ जाएगा न्यू प्राइस ठीक है जी न्यू प्राइस की हमें यहाँ पे अपडेट चाहिए तो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया और इसको मैं लास्ट एंट्री देख लेता है आइटम की हमारे पास कहाँ तक आ रही है ट्वेंटी थ्री रॉ तो ट्वेंटी थ्री रो का जो रिकॉर्ड आ रहा है इसको मैं यहां से इसको मैं से कलर कर लेते लाइट फॉर्मूला फर्स्ट यहाँ पे लगेगा सम इफ्स ये वाली फर्स्ट रॉ सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमारा परचेज रिकॉर्ड की एंट्री होगी हमारी कॉमा फिर उसके बाद परचेज क्वांटिटी और न्यू प्राइस हेडिंग्स रॉ को सिलेक्ट करके F4 करेंगे ताकि हेडिंग नीचे ड्रैग नहीं हो फिर कॉमा इसके अंदर क्या क्राइटेरिया देखना है हमें परचेज क्वांटिटी उनका सम चाहिए क्योंकि दो हेडिंग्स से तो परचेज क्वांटिटी का सिर्फ सम चाहिए तो परचेज क्वांटिटी हमारी सेल वैल्यू एक कोई भी सिलेक्ट करके इसको एफ करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंटर और ड्रैग ठीक है जी अब यहां पर हमारे पास न्यू प्राइस है यहाँ पर भी कर सकते हैं न्यू प्राइस अगर किसी चीज का हम दोबारा तो नहीं तो ब्लैंक छोड़ देंगे उसको और इसके अलावा जो लास्ट न्यू प्राइस में हमने वो चीज परचेज करी है उसकी वैल्यू हमें यहाँ पर उठानी है तो इसके लिए अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा बड़ा जबरदस्त ये भी आपको सीखने को मिल रहा है और अच्छा लग रहा है सीखने में न्यू मजा आए वीडियो देखकर तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर कर जी अब हमारे जैसे मिसाल के तौर पर कुछ एंट्री हमने, करी हमने 50 कर लिया हर यानी फर्स्ट स्टार्टिंग में हमने फिफ्टी ऑल आइटम करे हमने और इसकी जो प्राइस थी फिफ्टी की यहाँ फाइव हंड्रेड की हमने ले ली ये सिक्स फिफ्टी की ले ली इसी तरह ये एट फिफ्टी अब टाइम सेव हो जाए तो मैंने थोड़ा सा इसको जल्दी से ऐड कर दिया ठीक है प्राइस को अब ये न्यू प्राइस में हमने परचेज करी अब इसका रिकॉर्ड अभी 50 50 आइटम परचेज हुए फर्स्ट फर्स्ट जनवरी को और इसको मैं बॉर्डर कर लेता हूं ऑल तो यहां पर हमारे पास समिफ ने 50 50 परचेजिंग बता दी ठीक है जी अब न्यू प्राइस के लिए जैसे हमने अभी जो प्राइस में लिए हैं उनकी प्राइस फर्स्ट जनवरी की आ रही अब हमने सेल किया दो तीन दिन तक हमारा सेल रिकॉर्ड चला फिर हमने कोई ऑर्डर को परचेज कर लिया किसी डेट में तो हम उस डेट में लिखेंगे फिर जिस प्राइस में हमने परचेज किया है अगर उसी और रेट के अंदर वो चीज़ें है सिक्स फिफ्टी तो हम उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं न्यू प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं है तो वो लास्ट रेट जो होंगे वहाँ पर हमारे लुकअप हो जाएंगे जो हम सेल करेंगे शीट के अंदर थी। और अगर न्यू प्राइस लिखेंगे तो फिर वो सिक्स प्राइस को छोड़ के जब हम इस शीट में लुकअप करेंगे तो न्यू प्राइस को उठाएगा और यहाँ पर भी हमें जो भी करंट डेट के हिसाब से अभी न्यू हो रही है उसकी प्राइस पर ऐड हो जाए हमारे पास तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे इक्वल फर्स्ट सेल में आके ठीक है न्यू प्राइस के देखने के लिए इक्वल लुकअप लुकअप के बाद यहाँ पर आ जाएगा थ्री कॉमा ब्रैकेट ओपन वन अगेन ब्रैकेट ओपन और यहां से जो फर्स्ट न्यू प्राइस और परचेज क्वांटिटी से स्टार्ट है हमारा ये ये कॉलम सिलेक्ट सिलेक्ट करनी है एफ फोर ठीक है जी एफ फोर करने के बाद ब्रैकेट क्लोज बराबर है ये न्यू प्राइस यानी इस सेल के इसको भी एफ फोर करना है और यहां पर हमारा ब्रैकेट हो जाएगा क्लोज और फिर इसके बाद हम करेंगे प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन वन डिवाइड अगेन ब्रैकेट ओपन और लास्ट जो अपडेट प्राइस हमें चाहिए वो रॉ सिलेक्ट करेंगे पूरी ठीक है जी ये रॉ पूरी सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम आगे कंटिन्यू करेंगे नॉट इक्वल टू ब्लैंक अगेन ब्रैकेट क्लोज ठीक है जी डबल ब्रैकेट क्लोज कॉमा और यहां पर हमारे पास अगेन सिलेक्ट करेंगे प्राइस ठीक है जी फर्स्ट यहां से अगेन प्राइस सिलेक्ट और इसका ब्रैकेट भी कर देंगे क्लोज ठीक है जी ये पूरा फॉर्मूला देख लें फॉर्मूला बार में अच्छा यहां पर डिवाइड ऐड करना है और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं होगा ठीक है जी फर्स्ट हमने थ्री डॉट कॉमा वन किया और फिर इसके बाद वन डिवाइड ब्रैकेट ओपन के बाद फर्स्ट नेम हेडिंग सारी बराबर है न्यू प्राइस सेल फिर डबल ब्रैकेट क्लोज प्लस वन फिर रुकअ वैक्टर में ही आ गया और रिजल्ट वैक्टर में ही आ गया एंटर अब अभी अपडेट जो फर्स्ट प्रोडक्ट है हमारी फर्स्ट ही प्राइस है फाइव हंड्रेड है ये रिपीट हो जाएंगी सारी अब आगे देखिएगा इसका मैजिक क्या होगा सारी देखे ट्वेंटी की आ गई अब कुछ दिन बाद जो है हमने दो तारीख को ये चीजें फिर थ्री जनवरी को कुछ सेल हो गई हमारी प्रोडक्ट्स तो हमने यहाँ पर फिर अगेन सो पीस ऑर्डर की और ये नए पीस आए हमारे पास फिफ्टी के हिसाब से तो अब यहाँ पर देखे फाइव फिफ्टी अपडेट हो गया अब मैं फाइव फिफ्टी की जगह फिर कुछ अगले दिन मैंने पेन रिवर्स चार तारीख को ऑर्डर करा थर्टी पीस परचेज किए और ये किसने वन फिफ्टी यहाँ पर लिखा हुआ है देखें वन फिफ्टी और ये नए प्राइस आए 180 वन एटी तो अब हमारे पास जो हम सेल शीट पर रिकॉर्ड एंट्री कर रहे हैं वो वन एटी के हिसाब से यहाँ पर लुकअप होगी देखें वन एटी हो गया और ये इसी इसी की प्राइस आ रही है कन्फर्मेशन देख लें यहाँ पे ये यह देखें तो जो भी अपडेट करके आप किसी भी डेट में प्रोडक्ट परचेस करेंगे न्यू प्राइस वो आपके लुकअप आप होंगे अब आराम से यहाँ पर और इसको ऑटोमेटिक करने के लिए जो असल थे वो इस शीट के अंदर कंप्लीट हो गए ये हमारा बैकहेंड का परचेज डेटा रिकॉर्ड हो गया और यहाँ पर अब हमें क्या करना है ऑटोमेटिक सीरियल के हिसाब से हमें यहाँ पे प्राइस उसको लुकअप करना है नेम्स और उसकी प्राइस तो अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा अब आइटम नेम में जो भी सेल्स करेंगे हम सेल्स हो रही है हमारी चीजें आइटम्स वो सारी रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड करना है हमें इस शीट में और ये ऑटोमेटिक करनी है तो हमने इसको पहले तो क्या किया ऑल सिलेक्ट जहाँ तक हमारी सेल्स इंट्री हो सकती है मैं हंड्रेड तक इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ ड्रॉप डाउन से हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है सिर्फ टाइप नहीं करनी पड़े डेटा मेन्यू में पहले ऑल रेंज सेलेक्ट करेंगे फिर डेटा मेन्यू में लिस्ट बनाने के लिए डेटा वैलिडेशन लिस्ट सोर्स में जाएंगे शीट टू पे ऑल प्रोडक्ट्स सिलेक्ट और इसको ओके okay करेंगे अब इसमें सिंपल हमें यहां पर परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिस डेट को जो परचेज किया उसकी प्राइस के साथ वो पूरी मंथली रिकॉर्ड हो रही है और इधर हमें करंट प्राइस उठाने जो प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं उसी करंट प्राइस के साथ जितनी क्वांटिटी सेल हो रही है वो अब इधर हमें ऑटोमेटिक सीरियल के लिए फार्मूला एड करना है इफ ब्रैकेट ओपन नेम सेल बराबर है ब्लैंक कॉमा तो यहाँ भी ब्लैंक हो जाए नहीं तो वैल्यू ऑफ फॉल्स में रॉ फंक्शन चलाए अगेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट माइनस टू करेंगे तो रॉ नम फॉर्मूला करंट रॉ वन के हिसाब से शो करेगा

आइटम नेम कोई भी सिलेक्ट करें तो जो उसकी करंट प्राइज है उस हिसाब से हमारे पास प्राइस लिखी हुई आ जाए तो यहाँ पर हम प्राइस रेडिंग देंगे और इसकी जगह पर हम लगाएंगे इक्वल वी लुकअप सेल क्लिक करेंगे लुकअप वैल्यू टेबल एरिया में शीट पे जाएंगे फर्स्ट नेम कॉलम से लुकअप करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट राइट लास्ट और फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन ठीक है जी अब हमें यहाँ पर क्या उठानी है प्राइस तो कॉलम हमें यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा कॉमा कॉमा लगाएंगे के बाद यहाँ पर हमारे पास तकरीबन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो इसमें बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है ठीक है जी इसको F4 कर देंगे और जहाँ पर हम कॉलम काउंट ना करना पड़े इसके लिए हम कॉमा के बाद कॉलम इंडेक्स की जगह कॉलम्स फंक्शन यूज करेंगे दो फॉर्मूले होंगे कॉलम column और कॉलम्स तो यहाँ पर कॉलम्स एस जहाँ पर है वो फार्मूला आएगा और इसका कॉलम नंबर खुद ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा फर्स्ट कॉलम से जहाँ काउंट करना है उधर कॉलम से लेके जहाँ तक लास्ट उठाना है हमें प्राइस वैल्यू उस कॉलम तक सिलेक्ट करेंगे और इसको एफ फोर कर देंगे तो ये

फॉल्स एक्जेक्ट मैच कंडीशन आ जाएगी टूथपेस्ट अभी हमारे पास सेवन रॉ नंबर रिकॉर्ड पर है तो यहाँ पर टू फिफ्टी की प्राइस आनी चाहिए अगर फार्मूला हमारा सही है देखें यहाँ पे टूथपेस्ट टू फिफ्टी अभी करंट प्राइस यही है। आगे हमने अभी मजीद परचेजिंग नहीं की और फिर कंफर्मेशन के लिए मैं एवा कोर्डर के अंदर यहाँ पर इसको एवा कॉर्डर कार्डो जो है इसमें जो है यहाँ पर आपको फाइव फिफ्टी की न्यू प्राइस अपडेट करके दिखा देता हूँ इंटर अभी टू फिफ्टी एवा कोडो जो है वो सिलेक्ट करेंगे तो फाइव फिफ्टी आ गई यानी फार्मूला बिल्कुल सही है ये हमारा अगर ये कोई बात समझ में नहीं आई है कोई डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट का ऑप्शन मौजूद है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अब एक प्रॉब्लम और क्या आएगी यहाँ पर जब ड्रैग करेंगे तो वीलो लुकअप एन ए रिटर्न करेगा यहाँ पे क्योंकि एक मस्जिद जिसमें अभी कोई डाटा एंट्री मौजूद नहीं है तो इफ़ एरर जो होता है एरर को हटाने के लिए वी लुकअप की जगह पर फर्स्ट इफ़ एरर और पूरा फार्मूला वैल्यू इफ एरर में आ जाएगा यहाँ पर अगर एरर होगा तो एंड में दो बैंक इन्वर्टेड कॉम और रैकेट क्लोज अब ये भी हंड्रेड तक डबल रैक कर दें ऑटोमेटिक ये फिल हो जाएगा हंड्रेड तक देखिए कंट्रोल डाउन करा है मैंने हंड्रेड और नंबर तक ये फिल हो गया फार्मूला आपका तो यहाँ तक का तो तकरीबन काम हमारा कंप्लीट हो गया और अब प्रोग्राम जो है वो तकरीबन रेडी है सिर्फ अब आपको इस पर ऐड करनी है अपनी सेल्स इंट्रीज सेल्स इंट्रीज के हिसाब से जो कस्टमर आपसे ख़रीदारी कर रहा है और उसको आपने अब यहाँ पे डील करना है तो यहाँ पे अब टोटल पीस टी और मैं यहाँ पर देख रहा हूं टाइप कर रहा हूं ठीक है जी अब हमें अवेलेबल कितनी है अभी हमारे पास सेम यही फॉर्मूला हम यहाँ पर आगे यूज करेंगे और जो लास्ट हमारा कॉलम इसमें हमने प्राइस के लिए उठाने के लिए एम बी एम टू तक सेलेक्ट किया है शीट टू पर हम देख लेते हैं बी एम तो हमें बी एल तक चाहिए यहाँ पे टोटल क्वांटिटी देखने के लिए तो यहाँ पर हम इसी फार्मूले को बार बार हमें लिखना नहीं पड़े आगे कंटिन्यू कर लेते हैं टोटल पीस उठाने के लिए तो यहाँ पे डबल क्लिक ये जो लुकअप वैल्यू है कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे बी थ्री से पहले डॉलर साइन और यहाँ पर आगे इसको फिल करेंगे आगे फिल करने के लिए सेम प्राइस आगे यहाँ पर बी एम की जगह बी एल हो जाएगा ताकि हमारी क्वांटिटी जो है वो हमारे पास आ जाए 150 फिफ्टी एवं कॉर्डो जो है वो वन फिफ्टी पीस हमारे पास टोटल अवेलेबल है देखें यहाँ पे आ गया अब इसी तरह लास्ट में हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट से ब्रेड ब्रेड में हमारे पास अभी कितनी है यहाँ पे 50 पीस ठीक है जी अब यहाँ पर जो है वो सेल्स जितनी आप सेल्स कर रहे हैं ठीक है जी अब आप सेल्स कितनी कर रहे हैं यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे 10 हो गई सेल्स तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या अमाउंट आना चाहिए 50 ठीक है जी इस जगह पे क्या आना चाहिए 50 तो फॉर्मूला हमें कहाँ चेंज करना है इस जगह पे यानी जो हम सेल क्वांटिटी करंट शीट में कर रहे हैं रिकॉर्ड उसकी अपडेट जो है वो हमारे पास टोटल पीस में मौजूद हो यानी सेल हमने कर दिया तो अब हमारे पास टेन बचेंगे सेल के बाद आफ्टर सेल तो फिर यहाँ पर हम दोबारा रिऑर्डर करें इसको समझ में आ रहे अगर कुछ जल्दी में मैंने बताया या कुछ चीजें क्लियर नहीं हो रही हो तो आप आराम से इसकी प्रैक्टिस करिएगा जरूरी नहीं है एक साथ पूरी वीडियो देखें और वीडियो देख लें और पूरा एक साथ प्रैक्टिस करें जहाँ मसला है वहाँ साथ साथ रोक रोक कर इसको पूरी प्रैक्टिस करके कंटिन्यू करें अपना और फिर अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ लें ठीक है जी अब यहाँ पर हमें क्या करना है यहाँ पर जो सेल्स हो जाएगी उसके अलावा हमें यहाँ पर रिमेनिंग चाहिए टोटल पीस अगर हम टेन हटा दें तो यहाँ पर फिफ्टी रहे जैसे हम टेन इंटर करें तो यहाँ पर आ जाएंगे अभी फोर्टी रह जाएंगे आपकी इसके बाद ताकि नेक्स्ट जब हम यहाँ पर दोबारा इस चीज को सेल कर रहे हैं तो वो रिमेनिंग वाली क्वांटिटी उठाएं यहाँ पे तो हमें फॉर्मूले में थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी डेटा शीट में जाके टोटल क्वांटिटी में यहाँ पर ठीक है जी अब यहाँ पर हमें माइनस करना है अगेन सम इफ ये फर्स्ट मैंने एक साथ इसलिए नहीं बताया ताकि साथ साथ जो स्टेप से काम हो रहा वो चीजें वहीं क्लियर होती रहे तो अब इस फॉर्मूले के साथ हमें माइनस माइनस सम सम इफ इफ करना करना है है और क्या करना है? हमें रेंज के अंदर रेंज के अंदर हमें पहले इस नेम को सिलेक्ट करना है पूरा अपना ठीक है जी और यहाँ पर एफ फोर करेंगे एफ फोर के बाद अब क्राइटेरिया क्या होगा क्राइटेरिया माइनस के बाद शीट वन पे जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमने सेलेक्ट करी है ठीक है माइनस करना है उसको और फिर इसके बाद क्या करना है इसको हमने कॉमा सम रेंज किस जगह से आपको उठानी है वैल्यू इस जगह से ठीक है इसके अंदर जो भी तो हम हेडिंग के बाद से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर अच्छा यहां पर हमें एक चेंजेस करनी है यहाँ जो हमने अपडेट किया है फॉर्मूला टोटल क्वांटिटी के लिए कि वहाँ पर जो सेल हो रही है उस हिसाब से हमें यहाँ पे अपडेट चाहिए स्टॉक अवेलेबल जो होगा तो सम इफ को मैं दोबारा टाइप करके आपके सामने क्लियर कर रहा हूँ एक जगह पे हमने गलत किया है यहाँ पे सम इफ ठीक है जी ब्रैकेट ओपन इसी फॉर्मूले में जो टोटल क्वांटिटी फर्स्ट मैंने बताया था आगे हमें अपडेट करना है इक्वल सम माइनस सम इफ और रेंज के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे ऑल जो सेल्स प्राइस सेल्स एंट्री हो रही है वो कॉलम फर्स्ट यहाँ पर रेंज में सिलेक्ट होगा अगेन कॉमा क्राइटेरिया में शीट टू पे जहाँ पर डेटा रिकॉर्ड मेंटेन है वहाँ पर फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे कॉमा सम रेंज में शीट वन पे जहाँ टोटल क्वांटिटी सेल हो रही है ये सिलेक्ट होगा अब यहाँ पर देखें जब हम

फोर्टी हो गई रिमेनिंग तो अब हमारे पास अगर फार्मूला सही है तो सीट वन पे फोर्टी रिमेनिंग होनी चाहिए टेन एंट्री के बाद देखें यहाँ पर अब मैं इसको बढ़ा दूँ टोटल फिफ्टी थी फिफ्टीन सेल हो रही है तो थर्टी फाइव था नेक्स्ट टाइम जब ये प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करें तो फिर हमारे पास थर्टी फाइव रिमेनिंग आ रही हो अब इसकी एग्जाम्पल किस तरह होगी अब मैं इसको और आपको दिखा देता हूँ अब अकॉर्डा हमारे प्राइस फाइव फिफ्टी है और इसको भी हम ड्रैक कर लेते हैं यहाँ पे वन फिफ्टी टोटल क्वान्टिटी है अभी और यहाँ पर हमने इसको ट्वेंटी सेल कर दिया तो अभी वन थर्टी आपके पास टोटल पीस अवेलेबल होंगे अब इसके बाद दोबारा कोई ब्रेड लेना है हमने यहाँ पर ब्रेड को सिलेक्ट करा ठीक है जब देखें रिमेनिंग टोटल पीस फिफ्टीन फिफ्टी थे सेल के बाद रिमेनिंग नेक्स्ट कोई ब्रेड दोबारा सेल होने आई तो यहाँ पर थर्टी फाइव अब हमने इसको और टेन सेल कर दिया तो अब, अब, अब यहाँ पर ट्वेंटी फाइव रहेगी ठीक है जी तो ऑल स्टॉक डिटेल जो है वो यहाँ पे जो भी इंट्री सेल की करेंगे शीट में अपडेट होती रहेगी अपडेट जैसे हमारे पास ज्यादा सेल्स हो गई है क्या है हमारे पास अभी ऑर्डर ट्वेंटी अगर आप ट्वेंटी फाइव वाली रिमेनिंग चाह रहे हैं कि ट्वेंटी से कम वाली रेड कलर में आ जाए हाईलाइट तो इक्वल या लेस देन कर लेते हैं ठीक है जी हाईलाइट में लेस देन ट्वेंटी ट्वेंटी से कम होंगी तो रेड कलर में आ जाए कस्टम फॉर्मेट को देख लेते हैं की जगह हमने ट्वेंटी कर दी रिमेनिंग रह गई गई तो पे में में कलर से हो फिर यहां पर आप आप सिर्फ एक दफा ये बनाकर एंट्री करते रहे अपनी टोटल पीस अभी हमने फर्स्ट लिया गए, इस को आपने इसको रिओर किया कौन सी प्रोडक्ट है ये हमारी सेकेंड कैंटल

और जब नई एंट्री हो जाएगी तो न्यू प्राइस के साथ न्यू एंट्री के साथ रीऑर्डर रीऑर्डर लेवल क्लियर और उसकी प्राइस अपडेट हो जाएगी सेल शीट के अंदर अब आगे इसको प्राइस हो गए टोटल क्वांटिटी अवेलेबल सेल्स इतनी हो रही है हमारी फिफ्टीन या ट्वेंटी तो यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट का कॉलम एड करना है और टोटल अमाउंट के साथ इक्वल सेल्स मल्टीप्लाई कस्टमर को यानी बिल बताना है कि कितना टोटल हुआ है तो हम उसको टोटल सेल्स मल्टीप्लाई प्राइस करेंगे इंटर टोटल अमाउंट और ड्रैग कर देंगे इसको ठीक है जी तो जो प्राइस होंगे और क्वांटिटी के हिसाब से टोटल अमाउंट आ जाएगा टैक्स वगैरह अगर आपको इंक्लूड करना है जैसे इनकम टैक्स हो गया या एफबीआर का टैक्स हो गया तो या ऑटो तो डिटेक्शन हो जाए कि भाई 1% FBR का होगा तो यहां पर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं हर उस पर मल्टीप्लाई वन परसेंट टैक्स पे करना है तो अड़तालीस रुपए ये हो गया और अगर वैसे जीएसटी वगैरह ऐड करनी है तो वो भी आप कॉलम वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद टोटल सेल्स आपका क्या रहा रिकॉर्ड आज का और कितना टैक्स रहा तो वो भी आपको टोटल करना है आप यहाँ पर टोटल कैश टोटल कैश के लिए आप जो भी एंट्री करते हैं आपके पास प्लस हो जाए ऑल कॉलम टोटल अमाउंट का हेडिंग के पास से select करेंगे जो भी बाद में आप टाइप करेंगे इसमें प्लस हो जाएगी वैल्यू ब्रैकेट क्लोज तो सेल्स अभी करंट के हिसाब से जो होगी टोटल कैश अभी इतना है और आपकी टोटल टैक्स वैल्यू जो होगी एफ की टोटल टैक्स अमाउंट के लिए भी इक्वल सम all column select bracket close enter अब एक दफा ये फॉर्मेट बनेगा उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है जो भी आप किसी के भी हैंड ओवर कर रहे हैं सिर्फ उसने यहाँ पर आकर अपनी टाइपिंग काम करना है यानी एंट्री करनी है एंट्री के साथ प्राइस खुद ब खुद आकर जो सेल्स वो करेगा यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी में टोटल अमाउंट टैक्स अमाउंट या टोटल कैश ही होगी आपके पास बस यहाँ पर आप एक दफ़ा इसको रेडी करेंगे और उसके साथ फिर जो क्वान्टिटी होगी उसके अंदर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे उसका टैक्स रिकॉर्ड टोटल अमाउंट यहाँ कितना कैश होना चाहिए टोटल टैक्स सेलिंग यानी अगर आप सिस्टम बनाना चाह रहे हैं तो पॉइंट ऑफ सेल का भी कह सकते हैं उसको आप आराम से इसके अंदर अपना काम कर सकते हैं ये शीट शेयर करनी है अगर आपको परचेज की और न्यू प्राइस की जिस हिसाब से हो रही है जिस डेट को हो रही है तो वो आप अपने हैंड ओवर में रख सकते हैं उसको आप यहाँ से हाइट कर लें हाइट करने के अलावा यहाँ से इस तरह से क्लियर हो जाएगी जब आपको डेटा एंट्री करनी है कि परचेज़ हमें अपने हिसाब से करनी है जब हम चाहिए तो वो शीट शो हो जाए तो राइट क्लिक करके हाइट अन हाइट वापस करेंगे ओके इसमें अपना टारगेट पूरा करें डेटा एंट्री वगैरह करें और इधर से हाइड कर दें और ये बाकी जिसको आपने यूज़ करने के लिए देनी है वो आप अपने टाइपिंग का काम डेटा एंट्री के काम के लिए या ऑनलाइन सेलिंग के लिए कह सकते हैं कि भाई आप इसके ऊपर अपना चीज़ों को टाइप करके ऐड करते रहें और बाकी जो अमाउंट वाला सेक्शन आ रहा है इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए एफ बी आर वाले में भी कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए तो जहाँ पर आपको अलाउ करनी है डेटा एंट्री उस जगह को सिलेक्ट करेंगे ऑल उस जगह को ऑल सिलेक्ट कर लें इतनी जगह पे उसका जो यूज़र है वो अपना काम कर ले उसको सिलेक्ट करें फॉरमेट में जाके लॉक सेल हटाएं लॉक सेल हटाने के बाद ऑल यहां से सेलेक्ट करें और फॉर्मेट में जाके प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करें पासवर्ड इंटर करें ओके okay करें फिर पासवर्ड इंटर करें ओके okay. अब यहां पर क्या होगा ये जो जगह होगी यहां पर कोई आकर अगर एडिट करना चाह रहा है टोटल अमाउंट वो मैं छेड़ लूं या कम ज़्यादा कर लूं तो यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकता और जहाँ आपने लॉक सेल हटा दिए थे वो अपनी डेटा एंट्री का काम वहाँ पे कर सकता है ठीक है जी जितनी क्वांटिटी वगैरह होगी वो अच्छा यहाँ पे फार्मूला पहले एक्स्ट्रा ड्रैग कर लिए लीजिए ताकि उसका आंसर उसको मिल जाए अनप्रोटेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं फार्मूले को पहले फिल कर लेता हूँ और अगर ये हैश एरर का इशू होगा तो यहाँ पे भी ये एरर लगा दे एरर होगा तो यहाँ पे ब्लैंक हो जाए दो कॉमा एंटर एक्स्ट्रा ड्रैग में जब बाद में कोई डेटा एंट्री करेगा तो वहां पे उसका आंसर उसको मिलता रहेगा ठीक है जी इसको भी ये फैरर में ले लें कॉमा दो इनवर्टेड ब्लैंक और अब प्रोटेक्ट कर दे इसको और जिनको हमें लॉक हटाना था वो हटा करनी थी लॉक फिर प्रोटेक्ट करेंगे इसको ठीक है जी अब देखें जो भी एंट्री होगी यहाँ पे अपनी वो डेटा एंट्री कर सकता है क्वांटिटी सेल कर रहा है वो लिख सकता है यहाँ कुछ छेड़ नहीं सकता यहाँ कुछ चीजें अपनी डिस्टर्ब नहीं करेगा आपकी तो एक बेस्ट प्रोग्राम ऑप्शन का यूज़ करते हुए बगैर वी बी ए कोडिंग के हमने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर की तरह से सारा काम एक एम्प्लॉय से किस तरह ले सकते हैं डिजाइन करके हम अपना रोज़ का वो सॉफ्टवेयर की तरह से हमने बनाना और देखना सीखा इसके अंदर अभी तक आपने शायद बनाया नहीं हो लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसी स्टेप से जिस तरह मैंने आपके साथ शेयर करी ये चीज़ें या आप इजीली तरीके से बना भी सकते हैं कोई बेसिक बिगनर देख रहा है या जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है वो देखते हैं मुझे एडवांस वीडियो वगैरह भी देखी हुई है तो उनको भी इसमें अच्छा सीखने को मिला हुआ कॉन्सेप्ट बाकी अपना माइंड अपने हिसाब से जो चीजें चेंज कर सकते हैं ऐड हो सकती हैं एडिट हो सकती हैं है, वो करें भरपूर चीजें मैं ज़ाहिर सबकी चीजें यहाँ पे इसमें एक साथ क्लियर नहीं कर सकता क्यूरीज बहुत सारी हो सकती हैं तो जो मेन बेसिक्स हो सकता है और जो जरूरत हो सकती है हर किसी को वो मैं अपने हिसाब से यहाँ आप पर आपको शेयर कर देता हूँ समझा देता हूँ और फिर रिक्वेस्ट इसीलिए करता हूँ कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर किया करें कि सर इसमें ये भी हम कर सकते हैं इस तरह भी हो सकता है ताकि आइंदा की जो अपडेट होने वाली वीडियो हो उसमें वो ऑप्शन भी आपके साथ शेयर हो जाए और सॉल्व करके उसको सोल्यूशन को पेश किया जाए आपके साथ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक से अपनी राय से ज़रूर आगा किया करें कुछ कमी रह जाती है उसके लिए भी ज़रूर बताया करें वीडियो में ठीक है जी हम ये नहीं कहते कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं कि हमें सब कुछ आता है तो किसी ना किसी को कुछ ना कुछ आता ज़रूर है और सबको हर किसी को सब कुछ नहीं आता तो इस अमल को फॉलो करना चाहिए इंसान को और ख़ुद भी मैं इस चीज़ को सोचता हूँ तो जाहिर है इसीलिए कहा जाता है कि जो चीज़ आपके माइंड में वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा करें तो इससे हमारी भी इन में इजाफा होगा और जो चीज़ें होंगी वो क्यूरी आपके साथ सॉल्व की जाएंगी जिस तरह आप सीख रहे हैं इसी तरह हमें भी हमेशा सीखने का प्रोसेस रखना चाहिए अपने लिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी तो आपके लाइक्स हिसाब से ज्यादा से ज्यादा भरपूर आने चाहिए और इसको वीडियो को शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और अच्छे टॉपिक के साथ शाहम को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज